और उसमें शायद मुझे लगता है जीटोमेटिक टाइप इंजन है, क्योंकि तीनों सिलेंडर के जो हेड है वो बिल्कुल अलग मिलेंगे। डुअल क्लिच में मिल जाता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी फुट स्टेपर मिल जाता है। तो उसमें 100 mm का बोर मिल जाता है, 118 mm का ट्रैक्टर के अंदर स्टॉक मिलता है। तो कार की तरह इसमें चाबी लगती है साइड में, क्योंकि 18 क्विंटल लिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं करता है ट्रैक्टर। जैसे ट्रैक्टर थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट कर रहा है क्योंकि सिलेंडर उतार रखा, लेकिन मीटर देख सकते हो। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो, आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे प्रीत 3549 का, ठीक है ना, जो इनका चैलेंजर सीरीज आती है, उस ट्रैक्टर का हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। और आज आपको इस ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्या कुछ मिल जाता है। और यह ट्रैक्टर आपको मिलता तो है ऑन पेपर 3500 horsepower, लेकिन 4500 horsepower का इंजन है। और इस ट्रैक्टर पर आपको अब ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर बना कर दे रही है प्रीत भी, ठीक है ना, और इंडियन ब्रांड है। और इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है सब कुछ बताऊंगा। वीडियो साथ बनाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जैसे हम शुरुआत कर लेते हैं इसके फ्रंट टायरों से, तो उसमें 6 16 का फ्रंट टायर मिलते हैं जेके के। अगर हम रियर टायर की बात करते हैं तो 13 6 28 के टायर मिल जाते हैं, देख सकते हो उसमें, वो भी जेके के मिलेंगे। अगर बात करते हैं हम इसकी फ्रंट एक्सेल की, तो उसके अंदर आप देख सकते हो हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सेल मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के, तो उसके अंदर आप देख सकते हो मैकेनिकल पावर स्टेयरिंग मिल जाता है। अगर आपको पावर स्टेयरिंग चाहिए तो वो भी आपको ऑप्शनल में मिल जाएगा। आगे बुलगार्ड की बात करते हैं तो लगभग कंपनी फिटेड जो मिलेगा इसमें 60 किलो के आसपास का कंपनी फिटेड आगे बम्फर मिल जाता है। टो चैन करने के लिए भी कंपनी ने पहले प्रोविजन कर रखी है, आपको अलग से कराने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे के फ्रंट फेसर की बात कर लेते हैं, इसमें 2 हेडलाइट के साथ साथ बड़ा ही सुंदर लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का। प्रीत का लोगो भी है सामने, वो सबसे अच्छी बात है। इसका जो बोनट खुलता है वो लॉक से खुलेगा, चाबी से, कोई ऐसा नहीं कि आप ऐसे स्विच दबा के खोल लो, तो ट्रैक्टर का इससे काफ़ी सेफ्टी बनी रहती है, ठीक है ना। बात करते हैं इस ट्रैक्टर के हम डायमेंशन की, लंबाई चौड़ाई की। तो जैसे हम बात करते हैं ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ की, तो 3630 mm ट्रैक्टर लंबा, तो ट्रैक्टर की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ट्रैक्टर उठेगा भी नहीं। ओवरऑल विड्थ की बात करते हैं 1720 mm ट्रैक्टर चौड़ा है, तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ट्रैक्टर लहरें भी नहीं लेगा जब कभी खिंचाई करेगा। ओवरऑल ट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो 2155 ऊंचा ट्रैक्टर है, तो काफ़ी ऊंचाई मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 405 mm का ट्रैक्टर के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। व्हील बेस की बात करते हैं तो 2000 mm का व्हील बेस मिल जाता है दोनों ट्रैक्टर के टायरों के बीच की दूरी जो है। अगर ट्रैक्टर के टोटल वेट की बात करते हैं तो 2030 किलो का ट्रैक्टर में वजन मिलता है, तो ट्रैक्टर काफ़ी भारी भरकम और काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है प्रीत के लिए और अपने सभी किसान कस्टमरों के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मजबूत ट्रैक्टर कम पैसे में मिल जाए किसान को उतना अच्छा है, क्योंकि किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और उसकी काफ़ी लागत के साथ पैसा एक एक रुपये जमा करता है, तो सस्ते के साथ साथ अच्छा ट्रैक्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लेफ्ट हैंड साइड की, क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको चीज़ दिखा के चलता हूँ। एक तो हम देख सकते हो इंडिकेटर प्लस पार्किंग ये बल्ब में मिलेगी आपको, दोनों मरघाट में आपको सीट मिल जाती है, सीट होनी बहुत ही ज़रूरी है। दोनों ही मरघाट पे आपको ग्रैब रेल मिल जाती है, इसमें अपना पैसेंजर पकड़ कर बैठ सकता है बड़ी आसानी से। सीट इसकी एडजस्टेबल है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। सेंट्रल शिफ्ट गियरबॉक्स मिल जाते हैं, फुल्ली कॉन्स्टेंट मैक्स गियरबॉक्स मिलेंगे, 8 forward 2 reverse के साथ ट्रैक्टर है ये। जिसमें देख सकते हो CP PTO मिल जाती है, यानी क्रीपर PTO भी मिलेगी इस ट्रैक्टर के अंदर रिवर्स PTO के साथ साथ, ठीक है। ट्रैक्टर डुअल क्लिच में मिल जाता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी फुट स्टेपर मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, और मरघाट भी आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, देख सकते हो, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर के अंदर इतनी सारी चीज़ बता दूंगा जो 45 horsepower के अंदर मिलती है, कि आप सोच समझ जाओ कि ये ट्रैक्टर 45 horsepower है, 35 horsepower लेकिन ऑन पेपर मिलेगा आपको। फिलहाल इसके डीजल टैंक की बात कर लेते हैं तो लगभग 45 से 50 liter का डीजल टैंक मिल जाता है, जो कि लोहे का मिलेगा। एक वाटर सेपरेटर के साथ साथ दो दो डीजल ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि इसमें बॉस के मिलेंगे। फिलहाल इसके इंजन की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको उसका बोनट खोल के दिखाता हूँ और फिर इसके इंजन की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ खोल दो, अच्छा सर खुल गया, हाँ ठीक है। तो उसमें देख सकते हो सिंगल हाइड्रोलिक सिलेंडर मिल जाता है, काफ़ी स्टडी है, बहुत ही हैवी ड्यूटी इन्होंने सिलेंडर दिया है। ड्राई टाइप इसमें डबल जाली के साथ इसमें एयर फिल्टर मिल जाता है, और रेडिएटर काफ़ी बड़ा मिलेगा, जो कि इसका ज़्यादा हवा लेगा तो ट्रैक्टर कम से कम गर्म होगा। और उसमें शायद मुझे लगता है जीटोमेटिक टाइप इंजन है, क्योंकि तीनों सिलेंडर के जो हेड है वो बिल्कुल अलग मिलेंगे प्रीत के अंदर। बहुत ही अच्छा इंजन दे रही कंपनी, अब बहुत ही ज़्यादा स्टडी इंजन कर दिया। अगर इसके इंजन के RPM की बात करते हैं तो 2100 RPM मिलेंगे और 2781 cc का इंजन मिलता है ट्रैक्टर के अंदर। इधर देख सकते हो, मैं इधर से भी दिखाता हूं एक बार, तीन सिलेंडर ट्रैक्टर बॉस का इनलाइन पंप मिल जाता है, ठीक है ना, 2781 cc का इंजन है। अगर हम इस ट्रैक्टर की बोर की बात करते हैं तो उसमें 100 mm का बोर मिल जाता है, 118 mm का ट्रैक्टर के अंदर स्टॉक मिलता है। अगर बैकअप टॉर्क की बात करते हैं तो 26% में बैकअप टॉर्क निकलता है। अगर बात करते हैं नॉर्मल टॉर्क की ट्रैक्टर के अंदर, वो मिलेगा आपको 155 से लेके 5 प्लस 5 माइनस का 155 nm का टॉर्क मिलेगा। फिलहाल बोनट बंद कर लेते हैं, जैसे देख सकते हो
अभी हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो उधर देख सकते हो इंजन ऑयल फिल्टर भी आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, और इसका जो हेडोली ऑयल फिल्टर है वो भी आपको राइट हैंड साइड के अंदर ही मिलेगा, और बैटरी बॉक्स भी इसका प्रीत के लोगों के साथ राइट हैंड साइड में मिलेगा। इसका सिलेंसर उतार रखा हीट गार्ड प्लेट के साथ है, क्योंकि ये जब उधर स्टोर रूम में अंदर ले जाते हैं तो सिलेंसर इसका हटता था, इसलिए उतार के रख रखा ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है, इसमें देख सकते हो कार की तरह इसमें चाबी लगती है साइड में इधर, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम चाबी लगा के छोड़ देते हैं, बाद में इसकी आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा। इधर देख सकते हो ऑयल लिमिटेड डिस्क ब्रेक मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, काफ़ी स्टडी और काफ़ी अच्छे डिस्क ब्रेक के साथ। पैर के एक्सेलेटर भी धरी मिल जाएगी आपको। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की पीसीडीसी लीवर की, तो आपको इसमें रेड और ब्लैक का कैलिपर्स मिल जाएंगे, और इसकी हाइड्रोलिक लॉक को करने के लिए इसमें भी आपको मैकेनिज्म मिल जाता है। अगर हाइड्रोलिक को लॉक करना है तो वो भी आप इसको लॉक कर सकते हो। फिलहाल पीछे चलते पीछे एक बार देख लेते हैं ट्रैक्टर के अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो जैसे हम पीछे आते हैं, पीछे आपको दिखाता हूँ 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, कोई भी 18 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी नहीं करता, ट्रैक्टर की 18 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, और साइड में कोई जंजीर वगैरह नहीं है, लोकेबल सिस्टम है, ताकि हमारा कोई रोटावेटर वगैरह लगा होगा ट्रैक्टर पे तो हिले जुले ना, ठीक है ना। रिवर्स पीटो के साथ भी ट्रैक्टर में ऑप्शन मिल जाता है अगर आप इसे लेना चाहते हो। अगर जैसे पीटो की हॉर्स पावर की बात करते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया था इसके अंदर आपको 32 हॉर्स पावर की पीटो मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर, और इसके अंदर सिंगल पीस डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिल जाता है इधर देख सकते हो, ठीक है ना। दोनों मरगाट में वायरवेशन ना हो, लंबे समय तक ड्यूरेबल चले, तो उनके लिए रोड लगा के देखी कंपनी ने। और उसकी अगर वारंटी की बात करते हैं, तो 5 साल 5000 घंटे कंपनी इस पर वारंटी देती है। प्रीत का इसमें 3D में रबड़ के साथ इसमें लोगो भी मिल जाता है। इधर देखो तो ओलिम्पिक डिस्क ब्रेक की इसमें बैजिंग मिल जाती है, और इसमें हैलोजन बल्ब के साथ कोई भी रात में इंप्लीमेंट जोड़ते हैं, उसमें काफ़ी यूजफुल होता है, वो भी कंपनी लगा दे रखा है। इसकी डीजल खपत की बात करते हैं, फिलहाल ऊपर चलते हैं और इसकी डीजल खपत की बात करते हैं कितनी मिल जाती है। ऊपर चलने से पहले मैं इसकी SFC बताता हूँ आपको। इसमें 258 किलोवाट प्रति घंटे की SFC मिलेगी, और पीटो हॉर्स पावर जैसे मैंने आपको बताया थी, इसमें 32 हॉर्स पावर की पीटो मिल जाती है। फिलहाल जैसे देख सकते हो हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर से आने के बाद आप देख सकते हो स्वराज की तरह इसमें हॉर्न मिल जाता है स्टेयरिंग के अंदर ही, और काफ़ी अच्छा यूजफुल स्टेयरिंग मिल जाता है। क्योंकि फिलहाल इसकी आवाज़ सुनती है, ट्रैक्टर थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट कर रहा है क्योंकि सिलेंसर उतार रखा, लेकिन मीटर देख सकते हो तो ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।